क्या आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा या फिर जो भी आपके चैनल पे आता है और सब्सक्राइब किए बगैर चला जाता है, तो इस मसले का मेरे पास हल है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक सेटिंग करनी होगी। आप अपने चैनल पे अगर ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपके चैनल के ऊपर जो भी आएगा वो इंशाल्लाह आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और आपकी वीडियोज़ को भी वॉच करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मेरे चैनल को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है फॉर यू का, यहाँ पे जितनी भी फॉर यू वीडियोस होंगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पॉपुलर वीडियोस का ऑप्शन मिलता है। जिस वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आपको पॉपुलर वीडियोज़ के अंदर शो होगा। तो जो भी यहाँ पर अगर आपकी वीडियोज़ को देखेगा कि हाँ इस बंदे के चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं तो मैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो वो लाजमी आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और इसी तरह से जो आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो इसी कैटेगरी के नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे वो वीडियोस यहाँ पे शो होंगी। इसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड होती हैं। और आप लोग इसी तरह से प्ले लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे चैनल की तरह अपने होम पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे टैप करके ऑन कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चैनल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जिसके ऊपर मैंने ये तमाम सेटिंग्स करनी है। जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च बार पे टाइप करता हूँ क्विक स्पेस 2.0, तो यहाँ पे लिखने के बाद सर्च करता हूँ ये एक चैनल है फीमेल का, तो यहाँ पे मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस चैनल का होम पेज की जो सेटिंग है वो मैं अपने चैनल के होम पेज की सेटिंग की तरह ही यहाँ पे सेटिंग करके दूंगा। तो आप लोगों को भी बताऊंगा कि आपने कैसे अपने चैनल के होम पेज की सेटिंग करनी है। जैसा कि यहाँ पे जो सेटिंग हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो यहाँ पे नीचे लास्ट में दिखाई देती हैं, लेकिन हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। तो वो आपने कैसे लेके आना है और कैसे यहाँ पे सेटिंग्स को करना है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपने इस चैनल को अपने गूगल क्रोम के अंदर ओपन करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के अंदर इस चैनल को ओपन कर लेता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम के अंदर इस एक चैनल को ओपन कर लिया है डेस्कटॉप मोड के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक साइड पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पर एक लोडिंग होगी और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपने थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हुई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग्स मौजूद हैं आपने इनको रिमूव करना है। जो नीचे लास्ट में आपको पॉपुलर वाली सेटिंग मिलती है आपने इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। तो वो आपने कैसे लाना है, तो आपने सबसे पहले जो ऊपर सेटिंग्स मौजूद हैं जैसा कि यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन मिलता है और शॉर्ट्स का ऑप्शन मिलता है और प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने इन तमाम सेटिंग्स को यहाँ पर रिमूव करना है। उसके बाद ही आप पॉपुलर सेटिंग्स को ऊपर फर्स्ट नंबर पर लेके आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो वीडियो का ऑप्शन है इसके आगे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ और थ्री डॉट मिलते हैं, थ्री डॉट पे टैप करता हूँ और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपल यहाँ पे आपने रिमूव पे टैप करना है और यहाँ पे ये जो टैब होगी वीडियो की ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से नीचे आपको प्ले लिस्ट की जो टैब मिलती है आपने इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देना है, और इसी तरह से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स की जो टैब मिलती है आपने इसके ऊपर भी टैप करके रिमूव कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको लास्ट टैब मिलती है पॉपुलर वीडियोज की, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसी टैब को फर्स्ट नंबर पे लेके आना था, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब दोस्तों बाकी जो टैब थी जो हमने डिलीट की, जो हमने रिमूव की, उनको यहाँ पे नीचे ऐड करते जाएंगे। तो वो आपने कैसे ऐड करनी है, आपने ऊपर आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड सेक्शन का, आपने ऐड सेक्शन पे टैप करना है और यहाँ पे कुछ आपको टैब्स मिल जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल वीडियो के ऊपर टैप करना है। जो यहाँ पे ऐड होंगी वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो होंगी, और यहाँ पे जो टैब ऐड नहीं होंगी वो इस तरह से ब्लैक कलर के अंदर शो होंगी। तो आपने सिंपल वीडियो के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे वीडियो की टैब ऐड हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपने दोबारा से ऐड सेक्शन पे आना है और यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे जो दूसरी टैब होगी, जैसा कि हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं शॉर्ट वीडियोज को, तो यहाँ पे हम सिंपल शॉर्ट वीडियोज पे टैप करेंगे तो वो भी टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे प्ले लिस्ट की टैब को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे
पे आप टैप करके ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई चैनल है उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चैनल का भी ऑप्शन मिलता है, आप लोग इस पे टैप करके अपने चैनल का लिंक पेस्ट करके यहाँ पे चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे मुकम्मल सेटिंग्स को कर लें तो आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, तो आपने सिंपल पब्लिश के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और नीचे आपको गो टू चैनल का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करके अपने चैनल को देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं गो टू चैनल के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चैनल के ऊपर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉपुलर पेज था वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ चुका है और यहाँ पे नीचे वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो यहाँ पे शो होंगी। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगी। इसी तरह से नीचे आपने प्लेलिस्ट जो ऐड की होंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप लोग इस तरह से अपने चैनल के होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं और इसी सेटिंग की मदद से आप अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ा सकते हैं और अपने चैनल के ऊपर वीडियोस के ऊपर व्यूज को भी गेन कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर आप लोग इस तरह की सेटिंग करके अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन पे टैप करके ऑन कर देना है।